फेवरेट है क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ। हाँ, बहुत बहुत स्पेशल बंदे से मैं देखने को मिलेंगे। और ये जो फेशियल है में आप करवाना हो, फिर करवा के आके इस फेशियल, और जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है, बहुत पसंद होती है। क्योंकि आईलैशेस करवाने के बाद क्या है, पता है आईलैशेस कैसे लग रहा है आप लोग जरूर बताना, कब सबको सजेस्ट करते हैं हम वही करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रूट रही हूँ उनसे मिलने, दिलेर सिंह कांकरिया जी आउट है, जाओ और देखो। बहुत से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये लिए जो है मेरी फेवरेट है, तो ये भी है। तो ये गाने को खूब सारा कुछ लोगों से मिलने के बाद ही पता चलता है, तो मेरी जान मेरे पास आई है। डेढ़ दो महीने का जो बोलूं, मेरा डेढ़ साल का एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए बस आए तो थैंक यू वेरी वेरी। तो नहीं रिव्यू लेने के लिए ना यूज करती हूँ जो मैंने को ट्राई किया, बट कुछ जगह है ना। हेलो एंडी फैमिली, कैसे हो आप सब, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सीता दरक। सो अब मैं जा रही हूँ निशा जी के पास। निशा जी के पास क्यों जा रही हूँ आप सबको बताए, क्योंकि ये है, ये जो अगस्त मंथ आता है ना, ये मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है क्योंकि ये मंथ मेरा बर्थडे मंथ है। ये मंथ हमारे सबसे बड़ा जो फास्ट होता है तीज आती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जन्माष्टमी है और चौथ है, तो मतलब बहुत सारे आती हैं। तो उस रिगार्डिंग मैं जा रही हूँ निशा जी के पास, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल या बर्थडे आए और पार्लर नहीं जाए हम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पार्लर आप सबको पता है कि मैं एक ही पार्लर जाती हूँ निशा जी के पास, तो देखते हैं अब आज वो मेरा क्या लुक चेंज करती हैं, क्या होता है, तो बने रहना व्लॉग में। वहाँ जाके एंट्री वाला शूट लेना हम भूल गए थे क्योंकि मैं हो रही थी लेट। तो यहाँ पे हो गया मेरा फेशियल स्टार्ट, फिर मैं कराऊंगी आईलैशेस, फिर शायद करूंगी मेरे हेयर्स का रूट टचअप वगैरह टचअप, तो जो भी होगा जैसे भी होगा आप आगे व्लॉग में बने रहना। और हाँ, बहुत बहुत स्पेशल बंदे से मैं मिलने वाली हूँ आज, तो पूरा व्लॉग जरूर देखना क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग भी एक्साइटेड होने चाहिए। तो व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ये सीन वगैरह एंजॉय लो, थोड़े से मेरे नखरे जो कर रही हूँ उन सबको सहन करो। और हाँ, जो इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है वो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे भी कीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ये जो फेशियल है ना वो बहुत बहुत अच्छा है, सच में बोल रही हूँ। आप लोग जाके ये बोलना निशा जी के पास कि जो सीता जी ने फेशियल किया है ना वो वाला फेशियल करवाओ, तो आपको सच में आप करवाना हो फिर करवा के आके इस वाले ब्लॉग के नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि बहुत 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 अच्छा है ये फेशियल, और जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है, तो करवा के मुझे बताना। और यहाँ पे मैं करा रही हूँ मेरे प्यारे प्यारे आईज में आईलैशेस, जो कि मुझे आईलैशेस बहुत पसंद होते हैं क्योंकि आईलैशेस करवाने के बाद क्या है पता है, मेकअप नहीं करना पड़ता, ये पंगे खत्म हो जाते हैं, वैसे भी नहीं करते हैं बट लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो अब मैं आके आपको बताती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, पूरे व्लॉग में बने रहना, मिस मत करना। और ये है मेरा फाइनल लुक और ये आईलैशेस, आईलैशेस कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में, सुंदर लग रही है ना। और अब करेंगे हम हमारे हेयर्स पे, जो भी अमित भैया करेंगे क्या करते हैं वो उनके ऊपर मैं छोड़ के रखती हूँ कि मेरे हेयर में क्या करना है, वो सिर्फ वही बताते हैं, तो जैसा वो बताते हैं जैसा वो सजेस्ट करते हैं हम वही करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रूट टचअप और यही सब कर रहे हैं। मैं तैयार होके जा रही हूँ उनसे मिलने, जिससे मिलने के लिए मैं वेट कर रही हूँ और आप लोग भी वेट कर रहे हो, तो व्लॉग में बने रहो। तो ये हैं दिलेर सिंह कांकरिया जी, आप सब जानते ही होंगे। तो इनके साथ मैंने बनाया बहुत ही प्यारा सा एक रील जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, जाओ और देखो। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप सबको जो भी मेरी YouTube फैमिली है उनको तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये कौन है, इनको पहचानने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। और इनका बहुत ट्रेंडिंग वाला गाना आया है, सारे गाने बेस्ट हैं मेरी और ज़्यादा बेस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले सॉन्ग को प्यार दो, वीडियो बनाओ इंस्टा पे, सब जगह पे इनको सपोर्ट करो और अपनी कम्युनिटी में शेयर करो, स्टोरी लगाओ, फैमिली ग्रुप में। बहुत प्यारा गाना है और स्पेशल लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए शॉपिंग के लिए, यही मैं बोलने वाली थी कि बहुत बहुत अच्छा गाना है। अपने पति को पकड़ो, पति के साथ बॉयफ्रेंड को पकड़ो, बना दो, तो खूब सारा इस गाने को प्यार देना, बहुत बहुत। और एक बात, इस तरह बहुत बहुत अच्छी हो, जैसे हमने सोचा था ऐसे होते हैं, हाई फाई होते हैं, तो वो बात नहीं करते हैं, बट बहुत डाउन टू अर्थ। थैंक यू सो मच सर। हेलो, आपको एक और बहुत ही सुंदर सी जो है मेरी फेवरेट है, तो ये बहुत ही सुंदर है, इनका पहचान देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पहचान है। तो इनका न्यू गाना आया है शॉपिंग
शॉपिंग, वो स्पेशली हमारे लिए ही है, लड़कियों के लिए ही है। तो ये गाने को खूब सारा प्यार देना, खूब सारा, और इनको खूब सारा सपोर्ट देना, और वो कम्युनिटी वाला कम्युनिटी में शेयर करो, अपने फैमिली ग्रुप में, पेरेंट्स में शेयर करो। बड़ा नीट एंड क्लीन गाना है, पहली बार मतलब ऐसे गाने बहुत कम बनते हैं जब अपनी फैमिली के साथ देखो, और खूब सारा प्यार दो। वो शॉपिंग वाला गाना इतना इतना बेस्ट है, मैंने एक और रील बनाई है मैंने इंस्टा पे, तो जरूर देखना। और यहाँ पे ये निशा और अंजलि जी दोनों बहुत ही कॉमेडी सा एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो गाना जो है वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हो निशा जी की कॉमेडी, वाकई निशा इतनी डाउन टू अर्थ पर्सन है, और ये दोनों भी बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों से मिलने के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा होता है। हम बाहर से दूर से तो किसी को भी हम जज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उनसे मिलो फिर उनको जज करो। यहाँ दादी मैं निशा लामा और सरिता दी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आई लव हर नो डाउटफुली, शी इज जस्ट लाइक माई सिस्टर, और मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो मेरी जान मेरे पास आई है राखी से पहले, और आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, मैंने करवाया है फेशियल, आई लैशेस, जो कि बेस्ट है। और मुझे वैसे भी फेशियल मैंने कभी नहीं करवाती थी, बट निशा जी का फेशियल देखने के बाद, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया उसके बाद, तो हैबिचुएट हो गई कि नहीं मुझे करवाना है फेशियल। सो स्वीट ऑफ यू। और मेरी जान की रिफिलिंग अभी आई नहीं थी, अभी हमने बस टचअप किया है, तो डेढ़ जो अभी हमने कितने मंथ हो गया, डेढ़ दो महीना हो गया। हाँ डेढ़ महीना हो गया। तो आपका डेढ़ दो महीने का एक्सपीरियंस अबाउट द हेयर एक्सटेंशन कैसा है? मेरा डेढ़ दो महीने का क्यों बोलूँ, मेरा डेढ़ साल का एक्सपीरियंस बता दिया। मेरा डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हेयर एक्सटेंशन को लेकर बेस्ट 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 है। तो जिसके बाल पतले हैं, छोटे हैं, उनको लंबा करना है, बाल बारीक करना है, तो प्लीज किससे कराएं? अभी मेरे सब्सक्राइबर है वो, जिनको भी सैलून के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए, एक्सटेंशन हो, फेशियल हो, आईलैशेस हो, तो डेफिनेटली निशा जी के। दीदी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी डाल देंगी। और एक्सटेंशन निकलती है आपकी? नहीं, निकालने का पैसा लेते हो, और सरिता दी भी मुझे पैसा देती है, ठीक है? तो ये प्यार मोहब्बत होता है आपस यारे का। सो आई लव यू सरिता जानी, थैंक यू वेरी वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आए, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आप नेगेटिविटी के उस पे नहीं आए, आप मेरे साथ रहे, बिल्कुल मैं आऊंगी। और मैं इनके बारे में ये कहूंगी कि शी इज वन ऑफ द दैट पर्सन जिनके साथ मैं कभी भी किसी भी टाइम बात कर लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लव यू, लव यू, आई लव यू टू। मैंने धमकाया तो नहीं तुझे, डराया तो नहीं रिव्यू लेने के लिए, गुस्सा तो नहीं किया? प्लीज यार, पिछले डेढ़ साल से जुड़ी हूँ, एटलीस्ट किसकी तो जरूरत नहीं है। और निशा लामा को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कौन है निशा लामा, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच। दीदी प्यार से देती है, जेन्युइन रिव्यू है, कोई हम स्क्रिप्टिंग नहीं, जो मैं खुद यूज करती हूँ, जो मैंने खुद ट्राई किया है, मैं उसी के ही बारे में बताती हूँ, तो बेझिझक कर सकती हूँ बताती हूँ। मेरे आफ्टर फेशियल का लुक, तो कल रात को तो मैं आके सो गई थी, बट अभी वीडियो एडिट करने से पहले मैं एक बार जरूर बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल निशा जी बहुत बहुत अच्छी हैं, और हमारी बॉन्डिंग एटलीस्ट हो गए हैं डेढ़ साल से ज़्यादा, और ऐसा कुछ नहीं है, हम भी काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ें पैसे पे करके ही करते हैं, बट कुछ जगह है ना पैसे वैल्यू नहीं रखते हैं, कुछ जगह रिश्ता प्यार वो ज़रूर वैल्यू रखते हैं। और रही बात कि निशा जी के प्रोडक्ट्स की, तो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मेरे प्रोडक्ट्स ख़त्म हुए हैं, और मैं हर बार जाती हूँ तब मैं फेस वॉश, सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन है ना मेरे पर्स में आपको वही सनस्क्रीन मिलेगा। और आप सबको पता है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं वही बताऊँगी। इवन मैं मेरे घर में भी बहुत लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि हाँ, इवन मैं भी यूज़ करती हूँ, खुशी भी यूज़ करती है, हम दोनों बहनें तो परमानेंट यूज़ करती हैं, और सब वे में सारी चीज़ें बेस्ट हैं उनकी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, और वो खुद भी बहुत बहुत अच्छी हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है वो सबको साइड रखो, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो ना चाहते हुए भी हमारे साथ हो जाती है, बट इट्स ओके, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं और आने भी चाहिए, आएंगे तभी पता चलता है कौन हमारा है और कौन दूसरा है, तो इट्स ओके। बट एक बात जरूर बोलूँगी कि जो निशा लामा जी के चाहने वाले हैं वो डेफिनेटली उनके पास जाएँ, वो जैसे पहले थी वैसे ही आज हैं, बिकॉज मैं कल ही जाके आई हूँ, आप लोगों के सामने हैं। और जो सरल मैम हैं उनका जो गाना आया है वो बहुत बहुत अच्छा है, हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा उनके वीडियो को भी और मेरे इस ब्लॉग को भी। सो लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।